नेपाल और बिहार में हुई भारी बारिश का असर सीमावर्ती इलाकों पर अधिक दिखा है। शनिवार की देर रात भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जोगबनी रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। इसके बाद जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेन को रद्द किया गया है। लगातार पानी बढ़ने के कारण अगले आदेश तक के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी ट्रेनों का परिचालन अब फारबिसगंज से होगा और जोगबनी स्टेशन से कटिहार के लिए खुलने वाली ट्रेन को रविवार की सुबह 4:35 पर खुलने के बदले समय से पहले ही खोल दिया गया। रेलवे कर्मी के द्वारा बताया गया कि जोगबनी स्टेशन पर बाढ़ का पानी पटरी पर चढ़ गया है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया। कटिहार जाने वाली ट्रेनों को अब कैंसिल किया जा रहा है। बताया गया कि स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर पानी चढ़ गया है, 3 नंबर पूरा डूब गया है, जबकि 2 नंबर पर भी पानी चढ़ गया है। ट्रैक पे पानी आ गया था, इधर बाढ़ आने का मतलब बहुत संभावना है। इसी के लिए कौन कौन ट्रैक अभी जो है पानी आ चुका है? अभी 3 नंबर पूरा डूब चुका है, ये सब डूबने वाला है, 2 नंबर 1 नंबर मतलब 3 नंबर डूब चुका है और 2 नंबर भी आधा डूब चुका है। हाँ, 1 नंबर भी बाकी है। 1 नंबर भी बाकी। तो ये आदेश किसने जारी किया कि रेलवे को जो है कि रेल को जो है डिले कर दिया गया और ट्रेनों को रद्द कर दिया, ये आदेश किसने जारी किया? वो बड़ा बाबू स्टेशन के जो वही क्या कहे थे बड़ा बाबू, बोले कि मतलब ये जितनी भी ट्रेन है सब कैंसिल किया है, कर दिए है, मतलब जिसको जाना कटिहार की ओर अभी मतलब चल जाए, जितना ट्रेन है फुरबीसगंज से आपको मिलेगा, जोगबनी के लिए कैंसिल है। जोगबनी से सारी ट्रेन रद्द हो गई है। हाँ, जोगबनी से सारी ट्रेन रद्द हो गई है। गौरतलब है कि नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में भी दिख रहा है। कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। वही लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से मीरगंज स्थित परमान नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन मीरगंज स्थित परमान नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए केंद्रीय जल आयोग के कर्मी द्वारा लगातार जलस्तर की रिपोर्ट कार्यालय को अपडेट की जा रही है। लगातार हो रही बारिश व नेपाल के तराई क्षेत्र से पानी छोड़े जाने के कारण अररिया ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में अररिया प्रखंड के मदनपुर पूर्वी, पश्चिमी पोखरिया, तरौना, भोजपुर, जमुआ पंचायतों में फिर से बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग डरे सहमे हुए हैं। खासकर मदनपुर बाजार में कई जगहों पर बाढ़ का पानी मुख्य मार्ग पर आ गया है। वहीं नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। गंडक और कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी भरा है। कोसी बराज पर 56 साल के बाद सबसे अधिक पानी दर्ज हुआ। 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। शनिवार की रात तक लोग सहमे रहे और सुबह का इंतजार सब पर भारी था। वही रविवार की सुबह पानी बराज पर घटना जरूर शुरू हो गया, लेकिन कटाव की चुनौती और जिन इलाकों में पानी फैल चुका है उन इलाकों की समस्या अभी बरकरार है। अगर सुपौल में कोसी के हालात बिगड़ते हैं तो 8 और जिले इससे प्रभावित हो जाएंगे। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र समेत नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण कोसी नदी अभी रौद्र रूप में है। दूसरी तरफ बिहार में हुई भारी बारिश के कारण कोसी सीमांचल की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। इन सभी नदियों का भी पानी कोसी में समाता है और कोसी कटिहार के कुरसेला में जाकर गंगा में मिलती है, जिससे गंगा भी अभी उफान पर है। कोसी के इस उफान से जल प्रलय की आशंका से लोग डरे हुए हैं। सुपौल में कोसी नदी को लेकर अधिक खौफ बीते 2 दिनों से लोगों में है, जबकि अन्य जिलों में भी कोसी के रौद्र रूप को देखते हुए अलर्ट जारी किया जा चुका है और लोगों को सतर्क रहने व तटबंध के अंदर के इलाकों को खाली करने की अपील की गई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।